इधर बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से जहां अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है विद्याधर में, विद्याधर विधानसभा क्षेत्र में ये विरोध प्रदर्शन की खबर मिल रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता इस वक्त जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर वापस लेने की मांग पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि कल बकायदा इसके लिए तमाम जो अभ्यर्थी थे उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया था। तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका समर्थन किया था। इस बीच जो खबर आ रही है वो ये कि जयपुर में अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। विद्याधर विधानसभा क्षेत्र में इस बाबत विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की जा रही है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस बीच केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, विद्याधर विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त जबरदस्त हंगामा। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही कहा जा रहा है अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। हालांकि आपको यह भी बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर साफ तौर पर रोलबैक होने से इनकार कर दिया है केंद्र सरकार ने, यानी कि योजना हर हाल में लागू होगी। लेकिन कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता अभी भी सड़कों पर उतर आए हैं। यदि हम कल की बात करते हैं तो आज छठा दिन है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है बड़ी शांतिजनक दिखाई दे रही है। चार दिन तक देश में उपद्रव हुआ, पत्थरबाजी हुई, प्रदर्शन किए गए थे लगातार। आपने देखा कि तमाम जो संपत्तियां हैं सरकारी, उनको आग के हवाले कर दिया गया था। लगातार उनको समझाइश दी जा रही थी और अग्निपथ योजना के फायदों के बारे में भी बताया जा रहा था। इस बीच कल ऐलान किया गया कि भारत बंद किया जाएगा। इसी के साथ कांग्रेस ने भी समर्थन की बात कही थी। इस बीच अब यह खबर आ रही है कि जयपुर के विधानसभा क्षेत्र, विद्याधर विधानसभा क्षेत्र में साफ तौर पर प्रदर्शन की बात कही जा रही है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वसंत पांडे इस पूरी खबर पर बने हैं। वसंत, क्या कुछ चल रहा है वहां? देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में बवाल देखने को मिल रहा है। राजस्थान में भी जगह जगह जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। खुद राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने में लगी है। पहले ही दिन से कांग्रेस ने भी जो है युवाओं के समर्थन में जो है प्रदर्शन किया। उसके बाद आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने भी जो है 27 जून को जोधपुर से रैली निकालने की चेतावनी दी है। उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी भी लगातार विरोध प्रदर्शन करने में लगी है। और आज भी विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से रैली निकालते हुए विरोध प्रदर्शन जाहिर किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार का पुतला फूंका, साथ ही साथ केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जो अग्निपथ योजना है इसको वापस लेने की मांग की गई है। साथ ही साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा, जब तक जो है केंद्र सरकार इस जो है अग्निपथ योजना को वापस नहीं रहेगी तब तक विरोध जारी रहेगा। लेकिन जरा ये भी समझाइए हमको वसंत, कि जिस तरीके से चूंकि चुनाव भी नजदीक हैं, कल हम बात करते हैं भारत बंद की, उसका भी कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। अब यहाँ पर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी उतर आए हैं, कूद पड़े हैं। देखिए, जो विधानसभा चुनाव है उसको कम समय बचा है, 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में मुद्दों को लेकर जो है सड़कों पर उतरने का काम जो है राजनीतिक पार्टियों की ओर से किया जा रहा है। हालांकि कल जो है भारत बंद का जो है सोशल मीडिया पे अभियान चला था, लेकिन उसका असर देखने को नहीं मिला। वक्त रहते ही जो है पुलिस प्रशासन की ओर से धारा 144 लगा दी गई थी। धारा 144 लगाने के बाद कल जिस तरह आम आदमी पार्टी विरोध कर रही थी तो उनको जो है विरोध प्रदर्शन नहीं करने दिया, लेकिन आज उसका उल्टा असर देखने को मिला। जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो है विरोध प्रदर्शन किया, रैली निकाली तो उनको अनुमति दे दी गई, लेकिन कल जिस तरह आम आदमी पार्टी बीजेपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने वाली थी तो उनको विरोध प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। और कल धारा 133 जो है 144 का हवाला दिया गया था पुलिस प्रशासन की ओर से, लेकिन आज खुद जो है पुलिस की ओर से जाब्ता निकाला गया और जो है रैली के साथ साथ जो है कांग्रेस कार्यकर्ता जब विरोध कर रहे थे तो रैली के साथ पुलिस प्रशासन भी नजर आया। तो कहीं ना कहीं धारा 144 जो कि पुलिस प्रशासन की ओर से लगाई गई थी कांग्रेस कार्यकर्ता, उसकी भी अनदेखी करते हुए नजर आए। हालांकि विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अलग अलग राज्यों में जो है युवा सड़कों पर उतरा हुआ है। राजस्थान में भरतपुर, अलग अलग जिलों में जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई राजनीतिक पार्टियां जो है इसको इसके समर्थन में भी उतर गई है और जो है विरोध करने में लगी है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इसको वापस ले, क्योंकि आरएलपी का जो है बीजेपी के को समर्थन दिया, तो आरएलपी प्रमुख भी जो है इसका विरोध करने में लगे हैं। और 27 जून को जो है जोधपुर से जो है जयपुर कूच किया जाएगा और जयपुर कूच से जो है दिल्ली कूच किया जाएगा। हालांकि विरोध साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जगह जगह सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ साथ ही राजनीतिक पार्टियां हिंसक नहीं होने की अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन वसंत जरा ये भी बताइए, जो आप विरोध प्रदर्शन की बात कर रहे हैं कि आज तो कम से कम पुलिस का समर्थन भी होता हुआ नजर आया, जो कल नहीं दिख रहा था। कल धारा 144 लागू कर दी गई थी,
लेकिन यहाँ पर कितनी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्होंने प्रदर्शन किया? देखिए सैकड़ों की तादाद में जो है झोटवाड़ा क्षेत्र में जो है रैली के रूप में जो है बोरिंग चौराहे पे ही कार्यकर्ता पहुंचे थे। हालांकि क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा रोका नहीं गया, लेकिन आम आदमी पार्टी को कल रोक लिया गया था और धारा 144 का हवाला दिया गया था। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ता रैली के रूप में बोरिंग चौराहे पे पहुंचे और बोरिंग चौराहे पहुंचकर जो है केंद्र सरकार का पुतला फूंका और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग रखी। चलिए ऐसा खबर पर नजर बनाए रखिएगा वसंत, तमाम अपडेट लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया।